नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जबलपुर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको पता ही होगा 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया है। इस आम बजट में रेल बजट भी पेश किया गया है। आपको बताते चले कि रेलवे ने पहले से चल रही परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए बजट में इजाफा किया है। इसका फायदा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में चल रही परियोजना पुरानी परियोजना को भी मिलने जा रहा है। इस बार रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर भोपाल और कोटा रेल मंडल में चल रही परियोजना को रफ्तार देने के लिए 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं। पहले जहां ये बजट 2603 करोड़ रुपए था, इसे बढ़ाकर अब 4228 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मदन महल रेलवे स्टेशन के विस्तार और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए इस बार 26 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनके अलावा बीना से कटनी तीसरी रेल लाइन और कटनी सिंगरौली दूसरी रेल लाइन बनाने के लिए भी इस बार बजट आवंटित कर दिया गया है, जिससे यहां चल रहे कामों की रफ्तार बढ़ेगी। बजट के बाद पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर भोपाल और कोटा रेल मंडल में चल रही परियोजनाओं के विस्तार कार्यों की जानकारी देने पिंक बुक जारी कर दी गई है। इस बार पश्चिम मध्य रेलवे ने नई लाइनों के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं दूसरी और तीसरी रेल लाइन बनाने के लिए 426 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक फैसिलिटी और स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 1,007.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सिग्नल और विद्युतीकरण विस्तार के लिए भी पैसा दिया गया है। इनके अलावा रोड सेफ्टी वर्क लेवल क्रॉसिंग के लिए 34 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रोड सेफ्टी वर्क जैसे कि RUB/ROB बनाने के लिए 476.29 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ट्रैक रिन्यूअल करने के लिए 540 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ब्रिज वर्क टनल वर्क के लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क TRD के लिए 27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टाफ वेलफेयर के लिए 26.68 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बताते चलें किस किस परियोजनाओं के लिए बजट दिया गया है। बुधनी बरखेड़ा तीसरी लाइन के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनके अलावा ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली व महोबा खजुराहो यानी कि सतना पन्ना रेलमार्ग के लिए बजट दिया गया है। महोबा खजुराहो के लिए रेल बजट दिया गया है। रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन के लिए भी बजट दिया गया है। ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली व महोबा खजुराहो रेल लाइन परियोजना जिसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, इस नई रेल लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बजट मिलने से काम में और भी तेजी आएगी। इनके अलावा बीना कटनी के बीच जिसकी कुल लंबाई 279 किलोमीटर है, इसमें तीसरी लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसमें 410 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इनके अलावा सतना से रीवा के बीच जो डबल लाइन का काम किया जा रहा है जिसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है, इसमें 101 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनके अलावा कटनी सिंगरौली रेलखंड जिसकी कुल लंबाई 257 किलोमीटर है, इस रेल लाइन में दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनके अलावा कटनी में ग्रेड स्प्रेडर वाई डाक्ट बनाया जा रहा है जिसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर है, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का राजस्व दिया गया है। सतना पन्ना रेल मार्ग और रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग के लिए बजट आवंटित किया गया है। अभी तक सतना पन्ना रेल मार्ग में और रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग में भूमि अधिग्रहण की समस्या आ रही है। बजट मिलने से भूमि अधिग्रहण की समस्या दूर होगी। बहुत से ऐसे किसान थे जिनको मुआवजा संबंधी समस्या थी, अब बजट का कोई अभाव नहीं है, इसलिए मुआवजा भी अब दिया जाना चाहिए जिससे इन रेल मार्ग का काम अब शुरू हो सके। कैसे हमको और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।